Hi friends, welcome you back to the channel. Myself CA Fenil Shah and आज हम काफी दिनों से जो students के दिमाग में जो query थी कि exams होगी तो कब होगी और होगी कि नहीं होगी उसके ऊपर एक दिन पहले यानी कि आज 28th of May is there and one day before that is on 26th of May we got an announcement, right? That CA intermediate and CA final के बच्चों की एग्जाम्स 5th जुलाई से शुरू होगी एंड डिटेल्ड यू कैन से टाइम टेबल सून ICAI अपडेट करेगा दिस नोटिफिकेशन केम बट स्टिल अभी भी फाउंडेशन की एग्जाम कब से होगी अभी तो फिलहाल आज मैं कह सकता हूं कि जो स्केड्यूल डेट है तभी से होगी पर आगे क्या अपडेशन हो सकते उसके ऊपर अभी भी ICAI की साइड से कोई क्लेरिफिकेशन आया नहीं है अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्यों वीडियो नहीं बनाया था तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं सिर्फ आपको नोटिफिकेशन ना बताऊं बिकॉज आप इतने तो मैच्योर हो ही चुके हो कि ये नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चलेगा कि भाई नाउ न्यू डेट सेव कम बट आई थॉट दैट लेट मी ब्रिंग आउट एन कंस्ट्रक्टिव वीडियो कि अब करीबन अगर हम आज देखे आज 28 मई आज ये वीडियो आया राइट तो 5th जुलाई उसके बीच में देखोगे तो करीबन 37 डेज आर देयर टू गो नाउ इन दिस 37 डेज आप क्या कर सकते हो जिससे राइट योर प्रिपेरेशंस विल बी बेस्ट Your preparations will be best. And मैं ये कहूंगा कि foundation के लिए अभी बहुत confusions है पर foundation वाले बच्चे भी ये video जरूर देखे because इसके अंदर जो strategies बताई है वो foundation के बच्चों को भी help करेगी foundation हो intermediate या final हो उन सबको ये video बहुत ही helpful होने वाला है तो friends इसके अंदर मैं आपके साथ एकदम quickly short में कुछ share करना चाहता हूँ कि अब ये 37 days जो है वो आपके पास precious days है उसको friends कुछ भी करके waste मत करना इसका best use करना Now friends, इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले तो अब आपके लिए ये 37 डेज में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रिविजन के ऊपर डिस्कशन माइंडसेट कौन से रिसोर्सेज का 100% यूज करना फाउंडेशन की एग्जाम्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन एंग्जाइटी जो इश्यूज है ऑलमोस्ट सारे बच्चों को उसको कैसे दूर करें एंड कुछ अपडेट्स इन सभी चीजों के ऊपर इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं नाउ फ्रेंड्स द वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग आपने अभी तक ना किया हो तो आज ये वीडियो देखने के बाद 2-3 आवर्स इन्वेस्ट करना बिकॉज प्लानिंग इज अ की टू सक्सेस एंड हैव योर ओन प्लान सी ऑन वेबसाइट्स एंड ऑन वेरियस मेंटरिंग चैनल्स यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ प्लान्स सी यू कैन नॉट हैव एनीवन एल्स प्लान फॉर यू यू नीड टू हैव योर ओन कस्टमाइज प्लान तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 2-3 घंटे इन्वेस्ट करना वो वेस्ट नहीं कर रहे पर आज से लेके 5th जुलाई तक का पूरा प्लान के कौन से दिन आप कौन से सब्जेक्ट को देने वाले हो वैसा कस्टमाइज्ड प्लान आपके पास होना चाहिए एंड ये प्लान आपने आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए और मैं क्या कहूंगा डायरी में एकदम सिस्टमेटिकली एक साइड लिखो दूसरी साइड ब्लैंक रखो डे वाइज प्लान और नेक्स्ट डे ब्लैंक रखो वहां पर आप एनालिसिस कर पाओगे एंड फ्रेंड्स दिस इज अ राइट टाइम एक बार डिसीजन ले लो स्ट्रेटेजिकली खुद सोचने के बाद कि आप दो ग्रुप के लिए जा रहे हो कि एक ग्रुप के लिए जा रहे हो एंड स्ट्रेटेजिकली सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर लो बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि आप दो ग्रुप का फॉर्म भराए पर आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आप दूसरे ग्रुप में एक पेपर के लिए एग्जेम्पशन प्लान आउट कर सकते हो तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स द टाइम इज नाउ यू नीड टू टेक इट आपको अभी वो डिसीजन लेना पड़ेगा मोर ओवर फ्रेंड्स आप अभी राइट रिविजन के ऊपर ज्यादा फोकस दोगे पर उसके साथ साथ एक चीज निश्चित रखना कि आप कोई नया मटेरियल अब नहीं लोगे अब कोई भी चैनल के ऊपर कोई भी एडवाइस आपको आए नो न्यू मटेरियल एंड डोंट मिस आउट टू लुक ऑन आरटीपीज एंड एमटीपीज ऑफ पास्ट 3 अटेम्प्ट्स इंक्लूडिंग करंट अटेम्प्ट पास्ट 3 अटेम्प्ट्स देख लेना और आप बोलो सर अभी तो हमारी प्रिपेरेशन थोड़ी बहुत चल रही है कैसे एमटीपी को हम देखे राइट तो एक दो दिन के अंदर में एमटीपी को कैसे डील करेंगे एंड टाइम पे उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं प्लस अमेंडमेंट्स को देख लो प्लस अपने जो शॉर्ट हैंड नोट्स बनाइए उसको रेफर करने का ये सही समय बिकॉज नाउ यू नीड टू गो फॉर फास्ट रिविजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू फोकस ऑन दिस अलॉट सो कोई नया मटेरियल नहीं आप यूज करोगे इतनी चीजें और ये चीजों को यूज करना भूलना मत और आपका पुराना जो मटेरियल था यू हैव टू स्टिक टू इट यू हैव टू यूज दैट मटेरियल इटसेल्फ मोर ओवर फ्रेंड्स इस स्टेज पे माइंडसेट बहुत जरूरी है अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये सब सोचने में बहुत गिर जाते हैं राइट कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी कब एग्जाम होगी सर थर्ड वेव आएगा सर पेपर्स डिफिकल्ट आएगा बिकॉज पता है सर एग्जाम डिले हुई स्टूडेंट को प्रिपेयर करने का ज्यादा समय लगा व्हाट ऑल यू आर थिंकिंग फ्रेंड्स
Remove all these things from your mind, because all these things is creating a negativity in you, and it is hampering, it's damping your mindset. And mindset is everything. Instead of that, in this last days, focus on preparation, planning, revision, and some of your hobby by which you remain cool, calm, and composed. कोई भी चैनल के ऊपर कोई भी न्यूज कोई भी डिस्कशन आए हमें पार्ट नहीं लेना. जो फुल एंड फाइनल डिस्कशन होगा वो ICICI की वेबसाइट पे आएगा, तब फोकस करें. सो प्लीज रिमेन काम, कूल, कंपोस्ट. सी, एक चीज ध्यान में रखो, जो चीजें हमारे हाथ में उसके ऊपर फोकस करो ना. एग्जाम कब करे, कैसे करे, सर वैक्सीन लेके ही एग्जाम देने देंगे. अरे हु आर यू टू डिसाइड फ्रेंड, व्हाई आर यू वरीड. फोकस ऑन योर प्रिपरेशंस. मोर ओवर, फाउंडेशन के बच्चे अभी काफी कंफ्यूज है. तो फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं अभी ICICI की साइड से कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि बोर्ड एग्जाम के पहले करे, बोर्ड एग्जाम के बाद करे. पर मैं एक वीक के अंदर मैं आपके फाउंडेशन के लिए अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा. बट तब तक मैं फाउंडेशन के हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते फ्रेंडली रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप आपकी पढ़ाई पे ध्यान दो. अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो तो आप थोड़ा ट्वेल्थ पढ़ो, थोड़ा फाउंडेशन राइट. पर अभी ये सब चीजों में फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करो. एग्जाम्स होनी है वो निश्चित है. वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन, ये अटेम्प्ट तो नेक्स्ट अटेम्प्ट. सी, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी एंग्जाइटी और एनी अनाउंसमेंट. वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन, पर एग्जाम तो नहीं है तो व्हाई यू गेट डेविएटेड फ्रॉम योर प्रिपरेशन. You make your best preparations, right? तो इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे. एंड काफी सारे बच्चे अभी एंग्जियस हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं. तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हर एक जगह पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान एंड फुल फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट. एंड अगर आपने प्लानिंग किया डायरी पे और टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक किया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. एंड फॉलो अप लेते रहो. एंड फ्रेंड्स अभी आप देखो तो इसके पहले का वीडियो मैंने किया है, टाइम पास से टाइम मैनेजमेंट, वेरी स्पेसिफिक वीडियो बनाया था और वो खास करके बच्चों को कॉन्सेंट्रेट करके बनाया था. इसके पहले का ही वीडियो है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो वीडियो देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो राइट. बट टाइम मैनेजमेंट करोगे, डायरी मेंटेन करोगे एंड फॉलो अप लो. फ्रेंड फॉलो अप क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने कल प्लान बनाया राइट, कल मैंने प्लान बनाया था कि आज मैं चार चैप्टर करूंगा इकोनॉमिक्स के. अब एट द एंड ऑफ द डे मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि मेरे तो इकोनॉमिक्स के दो ही चैप्टर हुए. पर अगर मैंने पूरा फॉलोअप किया होता, मैंने जो कुछ भी किया लिखा होता तो मैं देखता कि मैंने स्टेटिस्टिक्स से एक सब्जेक्ट टॉपिक एक्स्ट्रा कर लिया था जो मुझे नहीं करना था. मैंने एक वीडियो लेक्चर देखा था तो वो मैंने एक्स्ट्रा किया. तो आप अगर जो कुछ भी करना है वो लिखते हो, जो कुछ भी करते हो वो लिखते हो, तो आप एट द एंड ऑफ द डे फॉलोअप ले पाओगे. एंड इंस्टेड ऑफ यू एंडिंग द डे इन अ डीमोटिवेटिंग मैनर, यू विल एंड अप इन अ मोटिवेटिंग मैनर. एंड टुडेज मोटिवेशन विल बिकम अ बूस्टिंग पावर फॉर टुमारोज परफॉर्मेंस. ये खास 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 करके ये जो चीज है ना, प्रैक्टिकली ये आपकी एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को, नेगेटिव चीजों को अपने आप दूर कर देगी. पर ये सब चीजें आपको करनी पड़ती है. दैट इज टू बी डन बाय यू ऑन योर. इस सब के ऊपर आपको फोकस करना. सो फ्रेंड्स, दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू कि अब के जो 38 डेज है उसमें मैंने जो आपको बताया, अगर आपने अभी भी लिखा ना हो तो जस्ट एक बार वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके जो मेन पॉइंट्स मैंने लिखे वो कहीं लिख लो राइट. उतनी चीजों के ऊपर ये नेक्स्ट 37 डेज फोकस करो. Friends, I can assure you, success and rank and glory and satisfaction will be yours. कोई आपको वो चीज से दूर रख सकता नहीं. पर अभी बाकी सारी चीजों से दूर हो जाओ एंड अभी इन चीजों के ऊपर आप क्या करो, फोकस करो राइट. एंड फ्रेंड्स, अभी अगर हमें ये फर्स्ट टाइम मिलना है तो फ्रेंड्स यू कैन कनेक्ट मी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आई एम देयर ऑन YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, हर एक जगह पे मैं हूँ. आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो. एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. मैं थोड़े समय में बेशक आपको उस क्वेरी का रिप्लाई देता रहूंगा. सो दिस वाज फ्रेंड्स समथिंग फ्रॉम माय साइड टू यू टू अवॉइड ऑल द कंफ्यूजन्स राइट. एंड नेक्स्ट 35 डेज का बेस्ट 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 यूज कैसे करना है उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो में जो भी बताया उसके ऊपर फोकस करना. एंड मैं दो दिन के अंदर ही राइट एक वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आप लास्ट टाइम MTP को रिवाइज कर सकते हो, या लास्ट समय में आप MTP का कैसे बेस्ट उपयोग कर सकते हो उसके ऊपर हम जरूर से इस वीडियो चैनल के अंदर डिस्कशन करेंगे. सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज रेगुलरली मिलते. सी यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड यू ऑल आर गोइंग टू आउट परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन टू.